जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वजाहत नज़ीर और आज जो हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो और ये मेनली एब्रीविएशंस के बारे में है कि किसी चीज़ का एब्रीविएशन क्या होता है या दूसरे अल्फाज में इंग्लिश में हम कह रहे होते हैं कि ये स्टैंड फॉर क्या कर रहा होता है। अच्छा मैं बताऊँ, इस वीडियो में हमारे साथ जो हमें मदद दी वो मिस्टर साकिब बरकात ने दी और जो वेब डिवेलपर या वेब डिज़ाइनर हैं तो उनको भी हमने इसीलिए उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है या उनका जो मेन वो काम कर रहे होते हैं वो रिगार्डिंग वेब डेवलपमेंट वेब डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं जो नीचे यहाँ मौजूद हैं उनका कांटेक्ट अगर कोई वेब डिज़ाइनिंग वेब डेवलपमेंट के हवाले से कांटेक्ट करना चाहे ज़रूर करें। मेनली ये वीडियो कोशिश कीजिएगा, तकरीबन इसमें मोर देन 100 जो एब्रीविएशन यूज़ किए गए हैं वो आप अगर एक बार बाय हार्ट याद कर लेते हैं तो जो हमारा टारगेट है कि हमने तकरीबन 100 ऑनलाइन क्लासेस रिकॉर्ड करनी है उससे आपका जो लेवल है, हमारी कोशिश जो ये है, जो एटलीस्ट मेरी कोशिश ये है कि आप 100 लेसन्स जिस दिन कवर कर लेंगे तो यू विल बी इक्विवेलेंट टू अ ग्रेजुएट, आप इंशाल्लाह एक ग्रेजुएट जो होता है उसके इक्वल आ जाएंगे। और पाकिस्तानी ग्रेजुएट्स का लेवल तो खैर मैं मुझसे बेहतर आप लोग जानते होंगे, बट कोशिश की जाएगी कि हकीकत में आपका वो लेवल बनाया जाए कि जिसमें आप एक ग्रेजुएट से ईजीली बात कर सकें और आपका इतना नॉलेज हो। तो ये तकरीबन हमारी 13th वीडियो है तो हम शुरू करते हैं। टेराबाइट पर सेकंड, TBPS, टेराबाइट पर सेकंड, ये टेराबाइट पर सेकंड आ गया। SQL है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। मेनली दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर दी कंप्यूटर प्रोग्रामर्स आप कहें या कंप्यूटर के स्टूडेंट्स कहें, चाहे वो 9th में हो, 10th में हो, मैट्रिक में हो, फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, तो उनको एब्रीविएशन डेफिनेटली इसके याद होने चाहिए। बल्कि जब मैं BBA में था तब भी ये इतने ही हेल्पफुल होते हैं जितना कि आप किसी भी लेवल पे मौजूद हैं। तो SQL है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। TB, टेराबाइट्स। SOS, सेव आर सोल्स। SNS, सोशल नेटवर्किंग साइट। स्माइल, स्वीट मेमोरीज इन लिप्स एक्सप्रेशन। तो हाँ, जरूरी नहीं कंप्यूटर के हवाले से, बल्कि आप जब देखेंगे इस वीडियो में कंप्यूटर के अलावा भी ये चीजें आपके लिए हेल्पफुल है। सिम्स, सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, और इसी तरह कभी कभी डिम आप देखेंगे तो डबल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल होता है। SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। SDT, सीरियल डेटा ट्रांसमिशन। RW, रीराइटेबल। ROM, रीड ओनली मेमोरी। RIP, रेस्ट इन पीस। अमूमन जब लोग मर जाते हैं तो रेस्ट इन पीस कहा जा रहा होता है कि रेस्ट इन पीस आप लिखा हुआ देखेंगे फेसबुक पे या कहीं और जगहों पे, तो रेस्ट इन पीस। RFI, रिमोट फाइल इंक्लूजन। RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी। QVGA, क्वार्टर वीडियो ग्राफिक्स एरे या VGA वीडियो ग्राफिक एरे होता है, और QVGA अगर लिखा जाएगा तो क्वार्टर वीडियो ग्राफिक एरे हो जाएगा। QS, क्वालिटी अश्योरेंस। PROM, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। PPP, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बजाय पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल कहलाता है कंप्यूटर में, PPI। पिक्सल्स पर इंचेस, यूजली जो स्क्रीन की रेजोल्यूशन है उसमें पिक्सल पर इंचेस की बड़ी इंपॉर्टेंस है। और DPI, डॉट पर इंचेस जो है वो आपको DPI जब आप देखेंगे तो प्रिंटर की क्वालिटी पे आ रहा होता है। PPC, पे पर क्लिक। PPC, पे पर क्लिक आ गया। PM, पोस्ट पेरिडियम। तो AM और PM जो ये वक्त बता रहे होते हैं, तो PM स्टैंड फॉर पोस्ट मेरिडियम। PHP हाइपर टेक्स्ट प्रोसेसर है। पेन जो है पावर इनरिच्ड इन निब। PDT पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन। PDA पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट इस PDA। तो ये PDA हो गया। PCI पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। PC योर पर्सनल कंप्यूटर। PAN परमानेंट अकाउंट नंबर, यूजली इंडिया में ये PAN चल रहा होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर। PAN ज्यादातर आपको इंडिया में सुनने में मिलेगा, PAN इज परमानेंट अकाउंट नंबर। OTG ऑन द गो। OS ऑपरेटिंग सिस्टम। OLED ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड OLED। ओके ऑब्जेक्शन किल्ड, कुछ जगहों पे किसी शख्स का नाम लिया जा रहा होता है बट वन ऑफ दी ओके स्टैंड फॉर ऑब्जेक्शन किल्ड, कि बिल्कुल मुकम्मल तौर पर जब आप कहते हैं कि जी कोई आपको ऑब्जेक्शन नहीं है तो ऑब्जेक्शन किल्ड। ओके NFC नियर फील्ड कम्युनिकेशन ए कंपनी। न्यूज पेपर नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ पेपर पास्ट एंड प्रेजेंट इवेंट रिपोर्ट्स। NAT नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। NASA नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। MPH माइल्स पर आर।
MPEG Motion Picture Experts Group, MOS Meta Oxide Semiconductor, MHZ Megahertz, MBPS Megabytes Per Second, और MAN Metropolitan Area Network, MAC Media Access Control, very helpful for the computer students. Plus normally भी इनको आप जरूर देखें, LTD is limited, LT dot Lieutenant या Lieutenant जो हम कह रहे होते हैं, तो Lieutenant या Lieutenant, LSIC Large Scale Integrated Circuit, LG Electronics, LED Light Emitting Diode, LCD Liquid Crystal Display, LAN Local Area Network, KPI Key Performance Indicator, ये यूजुअली इकोनॉमिक्स के हवाले से है, KPI की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, KM किलोमीटर्स, KG इज किलोग्राम्स, KBPS इज किलोबिट्स पर सेकंड, JPG जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, ये जब आप इमेज सेव कर रहे होते हैं तो आपके पास PNG या JPEG फॉर्मेट आ रहा होता है, तो ये जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप है, IVRS इज इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम, ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ये अमूमन प्रोडक्ट या सर्विस के हवाले से मुख्तलिफ ISO होते हैं, ISO 9000 है, ISO 9022 है, कई ISO डिफरेंट मौजूद हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, IMEI नंबर जिसको कहा जाता है, तो इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, IM इंस्टेंट मैसेजिंग, IDE इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स, ICT Information Communication Technology, IC Integrated Circuit, IBM International Business Machines Corporation, HTTP है Hyper Text Transfer Protocol Secure, और Hyper Text Transfer Protocol without S जो है HTTP Hyper Text Transfer Protocol है, और ये अगर आप देखें difference तो end पे Hyper Text Transfer Protocol Secure हो जाता है, तो इसमें एक आप लाइसेंस ले लें या एक वो कहा जाता है, ये कंप्यूटर वाले ज़्यादा बेहतर तौर पर जानते हैं, सिक्योर तब होता है जब आप एक सर्टिफिकेट बाय करते हैं, तो HTTP लिख सकते हैं वेबसाइट के एड्रेस में, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTC हाई टेक कंप्यूटर, HSUPA हाई स्पीड अपलिंक पैकेट एक्सेस, HSPA हाई स्पीड पैकेट एक्सेस, HSDPA हाई स्पीड डाउनलिंक पैकेट एक्सेस, HR ह्यूमन रिसोर्सेज, HP Hewlett पैकेट डेवलपमेंट कंपनी, एक कंपनी है मेनली प्रिंटिंग डिवाइसेस में ज्यादा एक्सपर्ट है, HIV ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस, जो HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है, HDD अच्छा वही वाली बात है कि जब इंसान का ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा तो उस पर जो बीमारियां हैं वो तेज़ी से असर कर रही होती हैं, तो HIV में मेनली जो कहा जाता है तो बीमारियां आप पर तेज़ी से असर कर रही होती हैं, HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, HS हॉटस्पॉट, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GSM ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस, GPS ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, GPRS जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस, GIGO गार्बेज इन गार्बेज आउट, गैबेज इन गैबेज आउट या गार्बेज इन गार्बेज आउट भी कहा जा रहा होता है, GHS GHz, FUI फॉर योर इंफॉर्मेशन, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फोर्ट्रॉन एक फॉर्मूला ट्रांसलेटर, आई थिंक एक लैंग्वेज है ये कंप्यूटर में, जैसे कोबोल है बेसिक है, इस तरह फोर्ट्रॉन है, FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम, यूजुअली पुलिस रिलेटेड वो बात आ गई, जब भी कोई क्राइम होता है या कोई इंफॉर्मेशन आपने रिपोर्ट करनी हो पुलिस में तो FIR के बारे में आता है, ये वही फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, ESN इलेक्ट्रॉनिक सीरियल नंबर, ETC एटसेट्रा वगैरह वगैरह जो हम कहते हैं, इत्यादि इसके अंदर कह रहे होते हैं हम हिंदी लैंग्वेज में, वगैरह वगैरह उर्दू में कह रहे होते हैं, ETA एस्टिमेटेड टाइम फॉर अराइवल, ESP ईमेल सर्विस प्रोवाइडर, ESN इलेक्ट्रॉनिक सीरियल नंबर, EPROM इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ENIAC इलेक्ट्रॉनिक नंबर इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, EDSAC इलेक्ट्रॉनिक डायलॉग स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, एज एनहांस डेटा रेट फॉर GSM एवोल्यूशन, EBCDIC एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, EAT एनर्जी एंड टेस्ट, DVD डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, DPI डॉट्स पर इंचेस, यूजली जो प्रिंटर की दुनिया में इसको यूज किया जा रहा होता है डॉट्स पर इंचेस को, जितने ज्यादा डॉट्स होंगे पर इंचेस उतनी ही ज्यादा जो क्वालिटी ऑफ प्रिंटर है वो बेहतर होगी, DOC डॉक्यूमेंट,
DOB Date of Birth, DLNA Digital Living Network Alliance, DLL Dynamic Link Library, DIR Directory, DIMS Dual Inline Memory Module, Dell जो कंपनी भी है तो इसका जो स्टैंड कर रहा है वो डेवलपमेंट ऑफ अर्ली लर्निंग अर्ली लैंग्वेज लर्निंग DDR डबल डेटा रेट DDoS डिस्ट्रीब्यूशन डिनाइल ऑफ सर्विस DBBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम CV बायोडाटा कहा जाता है CV कहा जाती है करिकुलम वाइटे CTR क्लिक थ्रू रेट CTA कॉल टू एक्शन CSS ये पाकिस्तान का जो वो सिस्टम है वो नहीं है वो सिविल सर्विसेज कहलाता है बट ये CSS जो है कैस्कारिंग स्टाइल शीट CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली यूज फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च तो कंप्यूटर भी किसी चीज का मुखफ्फफ कहा जाता है या स्टैंड फॉर कहा जाता है कोबोल अगेन एक लैंग्वेज है कॉमन बेसिक ओरिएंटेड लैंग्वेज है कंप्यूटर की दुनिया में कोबोल CMS कॉन्टेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम CMOS कॉम्प्लीमेंट्री मेटाऑक्साइड सेमीकंडक्टर CMD कमांड Cisco कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम कंपनी CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर इज अ डेजिग्नेशन और CEO अगेन एक डेजिग्नेशन है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEH सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग अच्छा हाँ यहाँ पे बता दूँ एक एथिकल हैकिंग होती है एक अनएथिकल हैकिंग होती है तो एथिकल हैकिंग जो है वो एजेंसीज के हैं वो लीगल जो इदारे हैं वो करवा रहे होते हैं तो एथिकल हैकिंग और अनएथिकल हैकिंग वही होगी जो लोग घरों से बैठ के इलीगली कर रहे होते हैं अदरवाइज वी हैव सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग CD-ROM कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी CDR कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डर CDMA कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस CD कॉम्पैक्ट डिस्क CCNP Cisco Certified Network Professionals CCNA Cisco Certified Network Associate CAN Campus Area Network Bye Be with you every time जो हम hi, hello और फिर bye कहते हैं तो be with you every time bye BIOS Basic Input Output System ATX Advanced Technology Extended ATI Technology Incorporation AT Advanced Technology ASPI Advanced SCSI Programming Interface ASCII American Standard Code for Information Interchange APN Access Point Name AMOLED Active Matrix Organic Light Emitting Diode AMD Advanced Micro Devices AM Anti Meridium जो Post Meridium हमने देखा वो बाद में और AM एंटी मेरिडियम तो ये जब भी आप PM लगाते हैं तो हम दोपहर में PM लगा रहे होते हैं नून 12 के बाद PM आ रहा होता है और सुबह रात के यानी 12 बजे से लेके सुबह के 12 बजे तक AM लिखा जा रहा होता है तो एंटी मेरिडियम ये वो टाइम वाली बात आ रही है जो PM है वो पोस्ट मेरिडियम है ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट AIM एम्बिशन इन माइंड AGP एक्सिलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line Acer Acquisition Collaboration Experimentation Reflection HDMI High Definition Multimedia Interface CCTV Closed Circuit Television WLAN Wireless Local Area Network या LAN Local Area Network होता है USB Universal Serial Bus PDF Portable Document Format SMS Short Message Service SIM सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल जो हम SIM बाय कर रहे होते हैं मोबाइल में लगाने के लिए ATM जो हम कार्ड यूज करते हैं बैंक से पैसे निकालने के लिए ऑटोमेटेड टेलर मशीन Wi-Fi वायरलेस फिडेलिटी और यहां तक हमारे ये थे अब हम इसको एंड करते हैं तो ये इसमें हमारे साथ जो तावन किया था वो मिस्टर साकिब बरकात ने किया था वेब डेवलपमेंट के हवाले से अगर आप इनसे कॉन्टैक्ट करना चाहें जरूर कीजिए बहुत शुक्रिया ख्याल रखें अल्लाह हाफिज़